ज्ञान हमारे मन को सर्वश्रेष्ठ संकल्प देता है हमारी बुद्धि को ज्ञान के अमूल्य रत्न देता है उसे दिव्य बना देता है परंतु दुनिया में आज सब जगह सत्य ज्ञान न होने के कारण दुनियावी नकारात्मक वायुमंडल होने के कारण मनुष्य आत्माओं की बीमारियों और बुराई का कारण विकल्प नकारात्मक संकल्प है और इसीलिए बाबा हम आत्माओं को निमित बनाते हैं कि न केवल हम अपने विकल्पों पर जीत प्राप्त करें परंतु साथ साथ अपने मन के संकल्पों से शुद्ध भावनाओं से शुभ संकल्पों से आंतरिक वृत्तियों से ऐसा वायुमंडल बनाए ताकि उन आत्माओं के विकल्प भी शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन हो जाएं। उन्हें भी ईश्वरीय दृष्टिकोण ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव हो जाए आज की मुरली हमें विशेष विकल्प जीत कैसे बने हुँ? उसकी विशेष शिक्षा दे रही है तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य आज है 27, 27 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने क्या लेने आए हैं यही तो चाहिए हर एक को हेल्थ चाहिए वेल्थ चाहिए हैप्पीनेस चाहिए ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है तो जितना चलते हैं उतना हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनते जाते हैं नहीं चलते हैं तो नहीं बनते हैं प्रश्न है बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है उत्तर है विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो शरीर को देखने से विकल्प आते हैं इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो निरंतर पतित पावन बाप को याद करो निरंतर करना है है ना याद से ही कट निकलती जाएगी खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे हुँ? सहज है ओम शांति शिव भगवान वाच अपने साली ग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा बोलेंगे तो तभी ना जब मुख होगा शरीर होगा बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए दोनों को बॉडी चाहिए ना आत्मा को कान मुख चाहिए अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है बाबा ब्रह्मा मुखारविंद से हमें अपनी मत दे रहे हैं जिसको राम मत कहा जाता है दूसरे फिर है इसके कंट्रास्ट में दुनिया वाले रावण मत पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं क्योंकि बॉडी से डिटैच हैं आत्मा योगी है ना और द्वापर कलयुग में है रावण मत यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं इसलिए आयु भी कम होती है बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं पॉपुलेशन भी ज्यादा दुख भी ज्यादा राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है फिर बाप आकर सबको क्या करते हैं राम मत देते हैं ले रहे हैं सभी राम मत सतयुग में है राम मत ईश्वरीय मत मिलती अभी है परंतु इसके अनुरूप चलते हम सतयुग और त्रेता में है उसको कहा जाता है स्वर्ग ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है उसको कहा जाता है आसुरी मत अब अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या करते थे जब ज्ञान में नहीं थे तो क्या करते थे हम ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं आगे जैसे कि नर्कवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे तो वह है शिवालय जहां देवता रहते हैं रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो सारी रचना इस समय उनको बुलाती है क्या हे पति पावन व लिबरेटर रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो कंट्रास्ट में चीजें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती हैं तो पता चला है कि असली सुख क्या होता है तो दुख का भी पता पड़ा है नहीं तो कई इसको दुख थोड़ी समझते हैं जैसे बाप नॉलेजफुल है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तुम भी नॉलेजफुल बनते हो बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना परंतु वह है जड़ वो बता नहीं सकता वो जड़ है अगर चैतन्य होता तो बता देता हुँ? तुम चैतन्य झाड़ के हो इसलिए झाड़ को भी जानते हो बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ना इस झाड़ का जो बीज है वो चैतन्य है इसलिए वो सारी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज सारे झाड़ का राज हमें समझा देते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है नहीं यह भी बाप ने समझाया है कोई नई आत्माएं तो पैदा नहीं होती ना वही आत्माएं हैं परंतु उनमें नए संस्कार है ना ज्ञान और योग से आत्मा को पावन कर दिया जाता है तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है यह भी बाप ने समझाया है पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिब्रेट करो झाड़ पुराना होता है तो वो आत्माएं जो दुख शांति से ग्रस्त हो जाती हैं पुराने झाड़ के अंदर वो बुलाती हैं बाबा को क्योंकि इस समय रावण राज्य है मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं खुद बाप बतला रहे हैं मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ हेवन के बाद फिर हेल बनता है रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं उल्टा रास्ता अपना लेते हैं सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने कौन सा वर्षा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं नाम ही कैसा अच्छा है स्वर्ग कितना अच्छा नाम है और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं बाप को बुलाते भी हैं समर्पण भी करते हैं लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा पुकारते तो हैं क्या पुकारते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो गाइड बनो लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़े लिबरेट करना है आत्माओं को मुक्ति देनी है तो आना पड़ेगा ना बाबा को फिर गाइड बन ले जाना पड़े और तो किसी को रास्ता पता ही नहीं है बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं काफी दिनों के बाद अपने माता पिता से मिलो तो माँ बाप कितने खुश होते हैं बच्चे भी खुश होते हैं वह है बेहद का बाप कब से बिछड़े हैं हम उस बेहद के बाप से है ना? यह है बेहद का बाप वो है हद का बाप यह है बेहद का बाप बाप क्रिएटर है रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं केवल केवल रच कर छोड़ नहीं देते पालना भी करते हैं पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है किसको दस किसको बारह बच्चे होते हैं पुराने जमाने की बातें हैं अभी नहीं होते इतने बच्चे परंतु वह सब है हद के सुख जो काग समान है तमु प्रधान बन जाते हैं तमु प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है तुम सतु प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है सतुप्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं बाप को ऑल अथॉरिटी कहा जाता है मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं ऐसे ही सोचते हैं ना दुनिया में तो यही सोचते हैं कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है मरे को जिंदा कर सकते हैं एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ हम्म ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं तुमको बाप ताकत देते हैं कैसी ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो इस काम के लिए बाबा आते हैं मक्खी को जिंदा करने के लिए नहीं आते हैं ताकत देने आते हैं बंदर से मंदिर लायक बनते हो उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो जो कहानियां बता बना दी हैं वानर सेना इत्यादि वो सब स्टोरीज बना दी हैं परंतु बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में मैं तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बनाता हूँ और तुम सब आत्माएं सीताएं हो भक्तियां हो तुम सबको रावण से छुड़ाता हूँ इसकी सारी स्टोरी बता दी है रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता ये विकार जो है कभी किसी को सुख नहीं दे सकते हैं इस समय सब रावण की जेल में है राम की जेल में नहीं कहेंगे राम की जेल नहीं होती है है ना राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने कलयुग में बंधन है सतयुग में बंधन नहीं है स्वतंत्र आत्मा रावण दस सिर वाला बनाते हैं दिखाते हैं ना दस सिर रावण के उनको बीस भुजाएं दिखाई हैं बाप ने समझाया है कि पांच विकार पुरुष में पांच विकार स्त्री में है उसका भावार्थ समझा रहे हैं बाबा उनको कहते हैं रावण राज्य व पांच विकार रूपी माया का राज्य ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है पैसे को भी माया समझते हैं ना ऐसे नहीं कहेंगे माया का नशा चढ़ा हुआ है पैसे का नशा चढ़ा हुआ है उसको माया भी कह देते हैं कहते नहीं धन को माया नहीं कहेंगे धन को संपत्ति कहा जाता है तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है उसे माया नहीं कहेंगे संपत्ति बाबा बहुत देते हैं परंतु अहंकार नहीं होता लोभ नहीं होता तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं क्योंकि यह तो पढाई है पढ़ाई में मांगना होता है क्या नहीं ना टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे मांगने की बात नहीं है इसमें पवित्रता भी चाहिए एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है पदमा बाप को पहचानो याद करो ये जो बाबा का एक एक वर्जन है ना एक एक शब्द जो है इसकी बहुत वैल्यू है पदमा पदम पति बन जाते हैं बाप ने पहचान दी है जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं वह तो एवर पवित्र है शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है एक की ही महिमा है सबका पोजीशन अपना अपना होता है हर एक आत्मा की पोजीशन उसकी स्थिति उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है नाटक भी बनाया है उस समय नाटक बना था कण कण में भगवान जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए तो बाबा जो महावीर हैं उनको परमिशन देते हैं कि देखो फिर उसके अनुसार सबको समझाओ परंतु कई लोग फिर उसके अंदर आ जाते साक्षी होकर देखने का अभ्यास नहीं होता तो इन्वॉल्व हो जाते हैं शौक आ जाता है अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो यह है बेहद की बात ऐसा कोई वैसे खलास नहीं हो रहा है ये सब बेहद की बात है अंतरात्मा के अंदर जो विकार है वो खत्म हो जाते हैं और बना के संस्कार प्योरिटी के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो हम विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं निर्विकारी बन जाते हैं वह कहानियाँ हद की बना दी हैं तुम हो दूसरा समान आज का पहला था राज ऋषि अभी तुम हो शिव शक्ति सेना तुम हो शिव शक्ति सेना शिव ऑल माइटी है ना शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है पॉलिटिकल <laughs> पार्टीज होती हैं तो उसका नाम भी भी ऐसे रख देते हैं सेना अब तुम्हारा नाम क्या रखें तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव की तो सब संतान हैं सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है शिव से तुमको शक्ति मिलती है शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था सब चाहते हैं कहते भी है कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले पैराडाइज था वह कैसे बना योग से तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है इसलिए कुछ भी गलत नहीं है ना उनका भी पार्ट है इतनी छोटी सी बिंदी में इतनी छोटी सी बिंदी दिखाई भी नहीं देती है कितना पार्ट है इसको कुदरत ही कहेंगे बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज्ड है अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो यह भी ड्रामा बना हुआ है ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजोमय है जैसे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान हजार सूर्यों से तेजोमय है दिखाते हैं ना जब अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो ने कहा कि मैं नहीं देख सकता तो बाबा कहते हैं वह है तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं आंखें लाल लाल हो जाती हैं बस करो अभी अभी हम हम नहीं सहन कर सकते बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं इस तरह से वही सोचते हैं वही स्वरूप अंदर बैठा होता है जहन के अंदर तो फिर वैसा ही अनुभव होता है कि हम नहीं सहन कर पाते अभी नहीं देख पाते तो बाबा कहते नहीं यह तो नॉलेज है वो भक्ति मार्ग के संस्कार हैं यहाँ ज्ञान की बात है इसमें पढ़ना है इसमें ऐसा कोई दर्शन करने की है ना या देखने की बात नहीं है यहाँ तो पढ़ना है बाप टीचर भी है पढ़ा रहे हैं हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से प्रधान बनना है बाबा ने समझाया है हियर नो ईविल मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा है दिखाते हैं ना गांधी जी के तीन बंदर वह कहते हैं एक्चुअली में किसी को पता नहीं है कि यह किसने कहा है पहले बंदर का चित्र बनाते थे अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था नलनी दीदी दी है ना घाट को ऊपर में तो उनका भी चित्र बनाया था मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य फर्क हो जाता है बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है फिर फिर क्या होता है फिर भक्ति आ जाती है ना फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं हम पहले सतयुग में जाते हैं फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है ना नीचे उतरने का 1250 वर्ष में दो कला कम होती है कितनी स्लोली नीचे उतरते है ना चंद्रमा का मिसाल है उसकी कलाएं कम होती है चंद्रमा को ग्रहण लगता है लग जाता है बिल्कुल नील कलाएं कम होने लगती है फिर धीरे धीरे कम होने के बाद फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है तो सोलह कला होता है फुल मोन हो जाता है वह है अल्पकाल की बात जो हर महीने हम देखते रहते हैं चढ़ती कला उतरती कला यह है तो है बेहद की बात आत्मा की चढ़ती और उतरती कला की बात है इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है सब आत्माओं पर राहु का ग्रहण है सबकी जोत उझाई हुई है ते ऊंच उच है बृहस्पति की दशा जो अब हम पर बैठी हुई है खुद बड़े ते बड़ा पति शिव बाबा आकर हम सबकी जोत जगा रहे हैं है ना नीचे में नीची है राहु की दशा एकदम देवाला निकाल देते हैं ना दुनिया में भी जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताते हैं कि जब राहु की दशा होती है तो देवाला निकाल देती है आत्मा को बहुत ज़्यादा तंग करती है दुख देती है बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं वह बेहद के बाप को जानते नहीं है अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है दुनिया वाले बृहस्पति असली बृहस्पति को नहीं जानते हम तो जानते हैं ना तो बाबा कहते भी राहु की दशा तो दुनिया पर है ही है यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते ना ये जो विकारों की दशा चढ़ी हुई है इस बात को हम ही समझ सकते हैं राहु की दशा ही इन बनाती है सब कुछ आत्मा ख़त्म हो जाता है अंदर सारी क्वालिटीज खत्म हो जाती है आत्मा बिल्कुल जैसे गरीबी में होता है ना कुछ भी नहीं होता तो ऐसी खाली हो जाती है अंदर से बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हो फिर से समृद्धि आ जाती है संपन्नता आ जाती है जब शिव बाबा आत्माओं को मिलता है तो आत्मा अंदर से फिर से भरपूर होना प्रारंभ हो जाती है भारत कितना सॉल्वेंट था सतयुग में कितना सॉल्वेंट था एक ही भारत था उस समय और कोई कंट्री भी नहीं थी सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है आज भी गाते हैं भारत की महिमा ना एक बहुत सुंदर गीत है ना जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा वो भारत देश है मेरा तो कितनी महिमा होती है अपवित्र राज्य वाले गाते हैं क्या मैं निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था अलग अलग संस्थाएं बनाते रहते हैं अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है किसी में भी गुण नहीं है तो कुछ लोगों की बात नहीं है बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है एक की बात थोड़ी है बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है छोटा बेबी होता है ना प्योर होता है तो उसे महात्मा कहते हैं तुम फिर कहते हो कोई गुण ना ही हाँ यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने कारण राहु की दशा बैठी है सब अवगुण ही अवगुण है इसीलिए तो राहु की दशा बैठी है अवगुण है तो फिर कर्म भी ऐसे ही करते हैं ना फिर फल भी ऐसा ही मिलता है अब बाप कहते हैं क्या करें राहु की दशा बैठ जाती है तो पंडित लोग क्या कहते हैं कि दे दान तो छोटे ग्रहण तो बाबा भी कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण कौन सा दान देना है विकारों का दान देना है फिर ये ग्रहण छूट जाएगा अब जाना तो सबको है घर तो सबको जाना है तो क्या करना उससे पहले देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो तो ये दान दे दो अपने को आत्मा निश्चय करो तुमको अब वापस जाना है पवित्र न होने कारण वापस कोई जा ना सके इसलिए अपने अंदर जो भी विकारों का अंश और वंश रहता है उसका दान दे दो सदाकाल के लिए त्याग कर दो विकर्मों को भस्म कर दो तब ही वापस घर जा पाएंगे बाबा कहते हैं अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं बाबा तरीका बताते हैं बेहद के बाप को याद करो कहीं कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं <laughs> बाप कहते हैं मीठे बच्चों पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे जो पावन बनाने वाला है उसी को भूल जाओगे तो प्योर कैसे बनोगे विचार करो कि यह क्या कहते हो ना लज्जा नहीं आती है ना जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं तुम क्या कहते हो मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है यह है बाप दादा दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है शिव बाबा ने ब्रह्मारथ का आधार लिया है तो दोनों की आत्मा एक ही भ्रुकुटी के बीच में तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा तुम सब बने हो फिर हम क्या बन गए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं ज्ञान मिल गया ना हम कौन है तो हम पता चल गया हम तो भाई भाई हैं फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं तो देहिक दृष्टि से भाई बहन परंतु वैसे शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप से भाई भाई यह याद पक्की चाहिए परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है बहुतों को विकल्प आते हैं अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं अब बाप कहते हैं बार बार आज न कल की मुरली में भी था और आज की मुरली में भी है क्या कह रहे हैं बाबा अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो आत्माएं सब ब्रदर्स हैं हम सब भाई हैं ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए सबका एक बाप है सभी बाप को याद करते हैं अभी बाप कहते हैं सतु प्रधान बनना है तो में कम याद करो जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है याद करेंगे कट निकलेगी खुशी का पारा बढ़ेगा कशिश होगी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना और उतना है ना अच्छा अच्छा नहीं चले के बेदुर्मानी बच्चों के दुर्मानी बाप दादा दादी जान सिको प्रेम से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है ज्ञान नॉलेज जो है सोर्स ऑफ इनकम होती है उसे वेल्थ मिलती है इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है कुछ भी मांगना नहीं है एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पदमा पद्म पति बनना है दूसरा राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है ही विल no जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है आज का वरदान है पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भवा निर्माण सो महान कैसे बनेंगे जब पहले आपके महामंत्र का प्रयोग करेंगे ना खुद को नहीं दूसरों को आगे रखना ये बाबा ने सिखाया है तो यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है जो झुकते हैं ना, वही महान होते हैं पहले आप करना ही सर्व से समान प्राप्त करने का आधार है जिसे सम्मान तब मिलता है दूसरों का जब हम उन्हें आगे रखते हैं महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते अगर वरदानों से पलते रहो वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी तो समझना है यदि मुझे महान बनना है तो बस निर्माण बनना है बस जितना जितना निर्माणता आएगी जितना जितना पहले आप करेंगे ऑटोमेटिकली सम्मान भी मिलेगा महान भी मिलेंगे बन जाएंगे तो बात समझनी है कि इन वरदानों को कार्य में लगाना है वरदान बताते हैं क्या करोगे तो क्या मिलेगा तो उस विधि को समझ जाओ तो सिद्धि आपके साथ है नहीं तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो जबरदस्त बैलेंस है रमणीकता और गंभीरता का तो ऐसी सूरत जिसे देवियों को दिखाते हैं ना एक बहुत ही मिक्सचैरिटी होती है रमणीकता और गंभीरता की मुस्कुराहट भी है परंतु उसमें छिपी हुई शक्ति भी है है ना? तो इसीलिए अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो तब सूरत द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी सेवा होगी तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे जो बाबा ने कहा आज कि कुछ भी बुरा ना देखना है ना सुनना है तो सारा दिन विशेष अटेंशन रखेंगे कि कोई भी दुनियावी बातें हम अंदर धारण ना करें और चारों ओर जिसको भी देखें रूहानी दृष्टिकोण से देखें उन्हें बाह्य मुखी रूप से ना देखें आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो हियर नो ईविल सी नो ईविल देखते हुए भी उनका प्रभाव हमारे अंदर ना जाए खुद को अंदर से चेक करते रहेंगे सारा दिन कि हमारा नज़रिया सुनने का और देखने का ईश्वरीय है या देहिक है यदि देहिक है तो परिवर्तन करते जाएं।

सच्चा जीवन है पावन पथ पर चल के सुख में जीवन जीलो प्रेम ही सद्भाव हैनूल ख़ज़ाना इसको नयूं